समाचार प्लस आप देख रहे हैं, मैं हूं विकास शर्मा। अमर सिंघम रिटर्न्स। अमर सिंह फिर से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। पार्टी में घोर अंतर विरोध के बाद भी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव उन्हें साथ लेकर आए हैं। अमर सिंह की पार्टी में वापसी से एक साथ कई संकेत मिल रहे हैं। घर वापसी होते ही अमर सिंह को सबसे पहले राज्यसभा भेजा गया है। इधर 2017 विधानसभा चुनाव के नजरिए से भी इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल अमर सिंह कई गुणों से भरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी को इससे पहले झटके भी खाने पड़े हैं। जब जब सपा अमर के साथ थी या अमर सिंह समाजवादी पार्टी के साथ थे, नतीजा अच्छा आया। 2014 में साथ छोड़े तो पार्टी ने जमीन पकड़ ली थी। रिपोर्ट देखिए। चुनाव प्रबंधन के माहिर खिलाड़ी अमर सिंह बड़े बड़े चुनावी रणनीतिकारों को छकाने का दम रखते हैं। अपनी गणित और अपनी समझ के दम पर ठाकुर साहब की राजनीतिक चाल कभी फीकी नहीं पड़ती है। इसका जीता जागता उदाहरण है 2004 और 2009 का लोकसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की तूती बोलती थी और चुनाव में सिर्फ साइकिल दौड़ती थी। 2004 में सपा को उत्तर प्रदेश में 35 सीटें मिली, 2009 में 23 सीटें मिली, लेकिन 14 के चुनाव में नेताजी की पार्टी को तो मानो गश आ गया हो, औंधे मुंह ऐसे गिरी कि संभालने के लिए फिर से अमर सिंह की याद आ गई। 80 सीट में सिर्फ 5 पर जीत मिली, वो भी सिर्फ उन सीटों पर जहां जहां यादव परिवार के उम्मीदवार खड़े थे। चुनाव में जनता और मीडिया दोनों को अपने तरीके से साथ लेकर चलने की कला का सबसे बड़ा कलाकार, चुनाव में पार्टी को सही से मैनेज करने का सबसे बड़ा मैनेजर भी माना जाता है। तहरी पैट रखने वाले अमर सिंह को उनके विरोधियों ने कईयों नाम से पुकारा, लेकिन इस बात से अमर सिंह पर कभी किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। हर क्षेत्र में डंका बजाने वाले सिंह साहब राजनीति, उद्योग और सिनेमा जगत के कई नामचीन हस्तियों से संबंधों के काफी धनी हैं। उठ के गिरना और गिर के उठना तो कोई अमर सिंह से सीखे। तिहाड़ जेल जाने के बाद एक पूरा वर्ग सहमत था इस बात पर कि अमर सिंह अब राजनीति में नहीं लौट सकते, लेकिन पत्थर पर घास उगाने की क्षमता रखने वाले ठाकुर साहब आज फिर से अपने पुराने किले में नई ईंट लगाने पहुंचे। दोस्ती की कई बेमिसाल कहानी लिख चुके अमर सिंह दुश्मनों के लिए तलवार से कम नहीं है। अंबानी का उन्होंने साथ छोड़ दिया तो समझिए छोड़ ही दिया, फिर क्या। धीरू भाई अंबानी के छोटे पुत्र करोड़ों के कर्ज में डूब गए। मुलायम सिंह का साथ छोड़ा तो पार्टी न सिर्फ मीडिया के निशाने पर आने लगी बल्कि चुनाव में हार कर एक किनारे खड़ी हो गई। कंसेप्ट इज नॉट ब्रांड दैट शुड रिमेन लिमिटेड टू वन इंडिविजुअल और वन फैमिली। आई एम ए पब्लिक पर्सन एंड आई डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू बी फ्रेंड्स ओनली विथ मी, सो एवरीबडी इज फ्री टू बी फ्रेंड्स विथ एवरीबडी। सहारा श्री से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक झटके में सुब्रतो रॉय का अमर सिंह को झटकना उनको महंगा पड़ गया और सहारा के नाम पर करोड़ों सपने दिखाने वाले तिहाड़ जेल में पहुंच गए। उनकी दोस्ती को सिर्फ इस्तेमाल समझने वाले ये अच्छी तरीके से जान लें कि जब कुछ साहब दुश्मन बनकर सामने खड़े हो जाते हैं तो फिर विरोधियों को निपटाने में कोई भी कोताही नहीं बरतते। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। अमर सिंह की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है। अपने दोस्त के लिए किसी कीमत पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं ठाकुर साहब। कई बार इसी चक्कर में झटके भी खाने पड़े हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर अंबानी से उनकी दोस्ती के बारे में कौन नहीं जानता है। अमर सिंह की जितनी खासियत है उसमें एक ये भी है कि वो यारों के यार है। जिसे वो अपना समझ लेते हैं फिर उसके लिए क्या दिन और क्या रात, क्या जिंदगी और क्या जहान, सब कुछ दोस्तों के कदमों में लाकर रख देते हैं। जैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए किया, अंबानी के साथ किया और मुलायम सिंह यादव के लिए किया।
जब तक अमर सिंह बीमार नहीं हुए थे कभी थकते नहीं थे, सिंकारा की बोतल की तरह हमेशा तरोताजा रहते थे। दिन में मिर्जापुर, दोपहर को तिरुपति और शाम ढलते ही मुंबई पहुंच जाते थे। दोस्तों के एक फोन पर अमर सिंह का जहाज हमेशा उस शहर में पहुंचने को तैयार रहता था। कहा जाता है कि फिल्म कंपनी एबीसीएल की नाकामी के चलते 90 के दशक में आर्थिक संकट में फंस गए थे अमिताभ बच्चन, और उस वक्त अमर सिंह ने उनकी काफी मदद की। बाद में जया बच्चन को समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य भी बनवाया। जब तक सपा में अमर का दबदबा रहा ये रिश्ते दमकते रहे, लेकिन अमर और मुलायम में दूरी क्या बढ़ी, अमिताभ और अमर सिंह की दोस्ती की चमक भी फीकी पड़ने लगी। कहने वाले कहते तो यहाँ तक हैं कि अगर अमिताभ को उस वक्त अमर ना मिले होते तो देश का महानायक आज टैक्सी चला रहा होता। अमर सिंह को इस बात की तकलीफ आज तक है कि जैसे जैसे वो मुसीबतों के चक्रव्यूह में फंसते चले गए, उनके सारे करीबी उनसे किनारा करते चले गए। मदद तो मेरी सोनिया जी से हुई, सहानुभूति उनसे हुई, और मेरे घर पर लगातार राजनाथ सिंह जी के टेलीफोन मेरी पत्नी के पास आए। हमारे दुख के समय सहानुभूति राजनाथ सिंह जी ने दिखाई, जो एक विरोधी दल के अध्यक्ष थे। सोनिया जी ने मेरी इतनी सहानुभूति दिखाई हमारे परिवार से दुख के समय। मैं मुलायम सिंह जी के साथ बिताए हुए अपने अतीत को कैसे भुला दूं। अमर सिंह के लिए अनिल अंबानी छोटे भाई थे और अमिताभ बच्चन उनके लिए बड़े भाई, और जयाप्रदा जैसी दोस्त तो उनके लिए कोई रहा ही नहीं। एक एक कर सारे दोस्त अमर सिंह से छिटकते चले गए, लेकिन जयाप्रदा उनके साथ बनी रही और आज भी बनी हुई है। लोकसभा चुनाव 2014 आते आते अमर सिंह की नई दोस्ती हुई चौधरी अजीत सिंह के साथ, लेकिन कयासों का बाजार तभी से गर्म था कि ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, और हुआ भी यही। चुनाव से पहले जल्दीबाजी में की गई दोस्ती अकाल मृत्यु का शिकार हो गई। अब सरे बाजार राजनीति के बीच चौराहे पर खड़े अमर सिंह फिर से पुराने घर के पुरानी चौखट पर खड़े हैं, एक नई उम्मीद और एक नई किरण के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार, बस। अमर सिंह सियासत के रंग को अच्छे से जानते हैं, समाजवादी पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। अनुशासनहीनता के आरोप में अमर सिंह को पार्टी से निकाला गया था, और नतीजा ये निकला कि सपा पर एक साथ कई सवाल खड़े होने लगे। अमर सिंह गुणी हैं, बुद्धिमान हैं, प्रभावशाली हैं। समय की चाल और राजनीति का रंग भांपने की कला उन्हें अन्य राजनेताओं से कहीं अलग खड़ा कर देता है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी अमर सिंह के अलग होने का खामियाजा भुगत चुकी है। अमर और जया प्रदा की जोड़ी राजनीति में बेमिसाल जोड़ी है। आए तो साथ साथ, गए तो साथ साथ, पार्टी बदले तो साथ साथ, और चुनाव में हारे भी साथ साथ। ये उनका एक साथ चलना कईयों को खटकता भी है, लेकिन अमर सिंह इस बात के लिए कहीं अटके नहीं, जया प्रदा को साथ लेकर चलते ही आ रहे। अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकालना समाजवादी पार्टी को भारी पड़ने लगी। 2012 में पार्टी यूपी के सत्ता में तो आ गई, लेकिन अमर के रहते मीडिया से बचते रहने वाले मुलायम मीडिया के निशाने पर आने लगे। विपक्ष उत्तर प्रदेश को कई नामों से पुकारने लगा और पूरी समाजवादी पार्टी इसमें फंसती चली गई। नेताजी को तब याद तो जरूर आया अमर सिंह का, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी औंधे मुंह गिर चुकी थी। मोदी की हवा को मुलायम और उनके सहयोगी भांप नहीं पाए। नतीजा सामने आया तो यादव परिवार के उम्मीदवारों को छोड़कर किसी पर जनता ने भरोसा ही नहीं जताया। खैर, दूसरी ओर अमर और जया प्रदा भी चुनाव तो हार चुके थे, लेकिन अमर सिंह से बड़ा झटका तो मुलायम को लगा था, जो तीसरे मोर्चे के नाव पर बैठकर पीएम की कुर्सी तक पहुंचना चाहते थे। 2009 में मुलायम के साथ थे अमर तो सपा ने 23 लोकसभा क्षेत्रों में साइकिल दौड़ा दी, लेकिन अमर के बिना 14 के चुनाव में चक्कर घिन्नी की तरह नाच कर भी समाजवादी पार्टी दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। अमर सिंह राजनीति के वो मैनेजर हैं
जिसके पास वो तमाम हथकंडे हैं, जिसका इस्तेमाल वो वक्त के साथ करते रहते हैं। इस बात को अब शायद मुलायम भी जान चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। अमर सिंह को लेकर के तमाम तरीके की पार्टी के अंदर सुगबुगाहट शुरू हुई और इसके बाद विरोध के स्वर भी तेज हुए और नतीजा यह निकला कि उन्हें पार्टी से बाहर जाना पड़ा। फिलहाल मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह को पहले भी अच्छा स्थान दिया था, उन्हें उत्तर प्रदेश विकास परिषद का अध्यक्ष बनाया था। वक्त के साथ साथ ठाकुर अमर सिंह इतने बड़े हो गए कि उन्हें सपा छोड़ना पड़ गया था। उस वक्त सूरत क्या थी देखिए। अमर सिंह दूरदर्शी हैं, उनकी इस समझ पर सपा का एक बड़ा वर्ग हमेशा लट्टू रहा करता था। नोएडा को बढ़ाने और फैलाने की सोच अमर सिंह के दिमाग में शुरू से ही रहा है। मुलायम सिंह भी उनके करीबी बनते चले गए थे सिर्फ उनकी विकसित सोच पर। यही कारण था कि नेताजी ने अपने सबसे अजीज ठाकुर अमर सिंह के सिर पर उत्तर प्रदेश विकास परिषद के अध्यक्ष का ताज तक रख दिया था। समय की गति के साथ साथ हरिश्चंद्र सिंह का बड़ा बेटा अमर सिंह भी उम्र की पगडंडियों पर बढ़ता चला जा रहा था। पहले वीर बहादुर सिंह से अपने करीबी संबंधों के चलते प्रदेश के नौकरशाहों के बीच मुख्यमंत्री के करीबी के रूप में पहचाने जाने लगे थे, जो बाद में देखते ही देखते मुलायम सिंह यादव जैसे खांटी समाजवादी नेता के साथ कॉरपोरेट समाजवादी बन गए। अमर सिंह के सियासत के पन्ने में रोज रोज नई नई बातें जोड़ती चली जा रही थी। एक दिन ये भी सुनने में आने लगा कि समाजवादी पार्टी में ठाकुर अमर सिंह का प्रभुत्व बहुत बढ़ गया है और इसी दौरान प्रदेश की सत्ता पर सपा जैसे ही सवार हुई, अमर बाबू प्रदेश के मिनी मुख्यमंत्री के रूप में काम करने लगे। प्रदेश की स्थिति को लेकर अमर सिंह अक्सर मुलायम से इस बात का जिक्र किया करते थे कि यूपी के 80 जिलों में विकास की नदी को कैसे बहाया जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया और पार्टी में अमर सिंह के विरुद्ध बगावत की चिंगारी लावा बनकर फूटने को बेताब होने लगी। संगठन में ठाकुर साहब के विरुद्ध बगावत की तपिश को खुद मुलायम सिंह यादव ने भी महसूस किया और एक ही झटके में अमर का हाथ छोड़ दिया। एक तरफ पार्टी से अमर सिंह निकाले गए, दूसरी ओर ठाकुरों का एक बड़ा वोट बैंक सपा के हाथों से छिटक गई। जब तक इस बात का किसी को अंदेशा होता तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अब 2014 के चुनाव में मुलायम सिंह इसको भुगत भी चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। कोलकाता से शुरू हुई अमर सिंह की सियासत सालों बाद फिर से राज्यसभा तक पहुंच गई है। उनके सियासत के शुरू होने की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। आजमगढ़ के तरवा के रहने वाले हरिश्चंद्र सिंह के घर 27 जनवरी 1956 को एक बालक का जन्म हुआ। वही बालक आज अमर सिंह के नाम से विख्यात है। जब अमर सिंह का जन्म हुआ था उस वक्त उनका पूरा परिवार अलीगढ़ में रहा करता था। अमर सिंह सिर्फ 3 साल के थे कि हरिश्चंद्र सिंह कलकत्ता चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, अमर सिंह उम्र की सीढ़ी पर बढ़ते रहे। हायर सेकेंडरी की शिक्षा दीक्षा 4 मदन मोहन वर्मन स्ट्रीट स्थित खत्री विद्यालय से संपन्न हुई और कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी की शिक्षा हासिल हुई। वो साल था 1971-72 का जब छात्र जीवन में ही अमर सिंह छात्र नेता सुब्रत मुखर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के छात्र परिषद में शामिल हो गए। बाद में वही सुब्रत मुखर्जी तत्कालीन सरकार में गृह राज्य मंत्री बने और अमर सिंह ने कलकत्ता के बड़ा बाजार जिला कांग्रेस की राजनीति से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। लेकिन आगे चलकर जैसे ही भारतीय राजनीति में कांग्रेस का पराभव और जनता पार्टी का अभ्युदय हुआ, वैसे ही एक झटके में अमर सिंह ने पार्टी बदल ली। इसके बाद अमर के राजनीतिक गुरु बने पश्चिम बंगाल में जनता पार्टी के नेता विजय सिंह नागर और इसी के साथ नागर के नेतृत्व में अमर सिंह ने जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर ली। कुछ ही दिनों बाद यूपी के तत्कालीन सिंचाई मंत्री
वीर बहादुर सिंह से अमर सिंह की मुलाकात हुई। एक तो सजातीय और दूसरे पूर्वांचल का होने के कारण वीर बहादुर ने अमर सिंह को अपने करीब ले आया। बाद में वीर बहादुर सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने तो पैदाइश के बाद पहली बार अमर सिंह ने अपने पैर यूपी की धरती पर रखे। फिर लखनऊ में श्याम भरतिया से और दिल्ली में माधवराव सिंधिया से मुलाकात ने अमर सिंह की राजनीतिक जीवन में चार चांद लगा दिया। इसी बीच अमर सिंह दो दो फैक्ट्री के मालिक बन गए। समय का चक्र तेजी के साथ घूमता रहा। यूपी की राजनीति से कांग्रेस का अंत होना शुरू हो गया। तब तक चर्चा पर्चा और खर्चा की राजनीति में पूरी तरह से रम गए अमर सिंह एक नए दोस्त और एक नए आशियाने की तलाश में निकल पड़े, जो उन्हें मिल भी गया, समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के तौर पर। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। इसके बाद की कहानी पूरा देश जानता है। सपा ने उन्हें एक बार धक्का तो जरूर दिया, लेकिन उसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा। खैर, ठाकुर साहब के साथ आंध्र प्रदेश से चलकर आई जयप्रदा आज भी उनके साथ पूर्वांचल की गलियों में घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। अमर सिंह स्वाभिमानी है और इसका फायदा भी उन्हें सियासत से मिलता है, लेकिन कुछ दिनों के सियासी वनवास के दौरान उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ा। अपनी अलग पार्टी भी उन्होंने बनाई, किसी दूसरे दल से चुनाव भी लड़े, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अपने किरदार को जब भी जिया मैंने तो जहर तोहमतों का पिया मैंने, और भी तार तार हो गया वजूद मेरा, जब भी चाक गिरे वहां सिया मैंने, मुसीबत में साथ निभाया सबका तो अदावत भी जी भर लिया मैंने। ये चंद पंक्तियां पढ़ते ही जिस शख्स की तस्वीर उभर आती है उसका नाम है अमर सिंह। जिद्दी, हठी और स्वाभिमानी बनकर रहना कई स्थानों पर बहुत अच्छा होता है, लेकिन राजनीति में इसका कोई महत्व तो नहीं होता। शायद यही कारण रहा कि अमर सिंह अपने राजनीतिक जीवन से कुछ ही दिनों के लिए सही भटक गए। बचपन से ही जिद्दीपन, हटपन और स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले अमर सिंह राजनीतिक वनवास को भी देख चुके हैं। अब तक की सियासत में अमर सिंह तब शिखर पर थे जब समाजवादी पार्टी में थे। सपा से निकाले जाने के बाद सियासत के मकानों में सुगबुगाहट तेज हो गई कि अमर सिंह खुद की पार्टी बनाएंगे। बनाए भी, लेकिन फेल हो गए। और जब इंसान फेल हो जाता है तो पास होने के लिए 75 पापड़ बेलने पड़ते हैं। अमर सिंह के साथ भी यही हुआ। लोकमंच के नाम से बनी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। मुख्य धारा से भटक चुके अमर सिंह के लिए ये सबसे कठिन वक्त था। दोस्तों ने हाथ खींच लिए, राजनीति मुंह मोड़ने लगी। खैर, तब तक लोकसभा चुनाव 2014 आ गया। अवसरवादी के नाम से प्रसिद्ध अजीत सिंह के साथ अमर सिंह का तालमेल बैठा और देखते ही देखते लोकमंच पार्टी का अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के तरफ से चुनाव में उम्मीदवार बन गया। अमर अकेले नहीं आए थे, जयाप्रदा साथ थी। दोनों चुनाव लड़े, दोनों हारे भी, दोनों का जमानत भी जब्त हुआ। ना तो शुरू में उम्मीद थी, ना ही ऐसा अंत हुआ। अजीत सिंह खुद हार गए तो पार्टी के उम्मीदवारों को क्या खाक जिताते। राजनीति के जानकार अमर सिंह का अजीत सिंह के साथ आना सबसे बड़ी गलती मानते हैं। वैसे अमर सिंह के लिए अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए नया दल तलाशना जरूरी था। ऐसे में वक्त की नजाकत और मिजाज को समझते हुए उन्हें अजीत का साथ सबसे बेहतर लगा। विवादों को करीब से महसूस करने वाले अमर सिंह तोड़ मड़ोड़ कर बोलने में मास्टर हैं। तभी तो मुलायम के हमराज थे और बिग बी के हनुमान। खैर, अब वक्त बदल चुका है तो बहुत कुछ बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। अमर सिंह मीडिया के लिए चहेते हैं। मीडिया प्रबंधन में भी उन्हें महारत हासिल है। पहले जब तक वो सपा के साथ थे कभी मीडिया में पार्टी की छवि खराब नहीं रही, और शायद यही कारण है कि मुलायम सिंह ने फिर से उन्हें पार्टी में अच्छा स्थान दिया है। सियासत के कई शख्सियत मीडिया के लिए गैर जरूरी खबरों की तरह होते हैं। इस सूची में तो कई नाम हैं, लेकिन अमर सिंह की बात थोड़ी अलग है। अमर सिंह के बारे में सिर्फ इतना जानिए कि जब तक वो मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे, मीडिया की हर चौथी खबर या तो उनके नाम से छपती थी या टीवी पर दिखती थी।
किसी को भी अपनी बोतल में बंद करने की कला में माहिर अमर सिंह को कभी कभी मीडिया की डार्लिंग भी कहा जाता है। कौन कहता है कि ये जिस्त सजा है मुझको, एक उलझा हुआ किरदार है, मिला है मुझको, मुझको इनाम मिले या मेरी रुसवाई हो, कुछ ताल्लुक भला इस बात से क्या है मुझको। चंद लम्हे तो मेरी उम्र में ऐसे आए, दुश्मनों से भी बहुत प्यार मिला है मुझको। किस तरह उम्र का दुश्वार सफर तय होगा, बीच रस्ते में कोई छोड़ गया है मुझको। एक जमाना था जब समाजवादी पार्टी की हर खबर में अमर सिंह का नाम जरूर होता था। वो खबर चाहे यूपी के किसी गांव की हो या राजनीति की गणित को समझकर सियासी गुणा भाग लगाने वाले खुद मुलायम सिंह यादव की। खैर, जल्द ही एक दिन वो वक्त भी आ गया जब ना तो मीडिया के बिना अमर सिंह का मन लगता था और ना ही अमर सिंह का मीडिया के बिना। कि भूतकाल व्याकुल करे जी या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। कहने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी कि सपा का भविष्य अमर सिंह के बिना अंधेरे में होगा। वक्त के गर्भ में पल रही बातों पर किसी ने तब ध्यान नहीं दिया, लेकिन दोस्ती की बुनियाद पर खड़ा हुआ राजनीतिक मोहब्बत का एक मकान एक दिन दुश्मनी के किले में तब्दील हो गया। और उसी मीडिया में मुलायम के लिए अमर खलनायक थे और अमर के लिए मुलायम सिंह। समय की सुई खिसक कर 4 साल बाद फिर से मुलायम के मंच पर अमर को खींच लाई तो फिर से खबर बनी। राजनीति के गलियारों से निकला यह समाचार सबके लिए है कि अमर सिंह फिर से समाजवादी पार्टी के आंगन में दस्तक दे चुके हैं, क्योंकि मुलायम का मन अमर के बिना लगता कहां है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना है।